लहसुन, जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा अपने खाने में करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। और बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से लहसुन का यूज हमारे औषधि के रूप में किया जाता है, मीन्स बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस में किया जाता है। इवन जब हमें ठंड लग जाती है तो भी हम लहसुन को भून करके खाते हैं या घी में पका करके खाते हैं, ताकि जो लहसुन की गर्मी वो हमारे शरीर में आ सके और जो ठंडा के हमारे शरीर से बाहर निकल सके। बट ऐसे में लहसुन का टेस्ट इतना ज्यादा तीखा होता है और हमारे माउथ से इतनी स्मेल आने लगती है कि अक्सर हम इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। काफी लोग तो खाने में भी लहसुन डालना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है, पर ये लहसुन तो बहुत फायदा करता है और हमें खाना भी चाहिए। तो आखिर लहसुन को किस और तरीके से खा सकते हैं वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, काला लहसुन, बिल्कुल सही है, आपने सफेद लहसुन तो देखा होगा, बट आज इस वीडियो में मैं आपको काले लहसुन का राज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्या फ्रॉम सुधा डाइटरी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आज मैं आप लोग को काले लहसुन का रहस्य बताने वाली हूँ। आखिर ये काला लहसुन होता कैसे, बिल्कुल सफेद लहसुन की तरह? क्या टेस्ट में भी काला लहसुन सफेद लहसुन की तरह होता है, उसी की तरह स्मेल करता है, तीखा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो काला लहसुन होता है वो सफेद लहसुन का ही फॉर्म है, बट ये जो काला लहसुन होता है हम लोग इसको फर्मेंट करके बनाते हैं, जिससे कि इस काले लहसुन के जो औषधि गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये खाने में सफेद लहसुन जितना तीखा भी नहीं होता और माउथ से स्मेल भी नहीं आती। और क्या आप जानते हैं, ये काला लहसुन जो होता है, जो कि फर्मेंट करके हम लोग बनाते हैं, उसे बनाना तो आसान है ही, साथ ही में हमारे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इस काले लहसुन के और क्या क्या फायदे होते हैं, और ये काला लहसुन या फर्मेंटेड लहसुन आखिर बनता कैसे है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना, काला लहसुन, अगर आप सुबह खाली पेट 2 लहसुन, काले लहसुन खाते हैं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। मीन्स अगर आपका खून गाढ़ा है, खास तौर पर सर्दियों में तो खून गाढ़ा होता ही है, तो अगर आप इस फर्मेंटेड लहसुन को, गार्लिक को खाते हैं, तो इससे आपका जो खून होगा वो पतला हो जाएगा, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएगी। बट अगर आप खून पतला करने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से ही इस फर्मेंटेड लहसुन को लें, क्योंकि आप दवा भी ले रहे हैं खून पतला करने की, और ये जो काला लहसुन होता है, सब फर्मेंटेड गार्लिक होता है, ये भी हमारे खून को पतला करने का काम करता है, ताकि अच्छे से फ्लो हो सके और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी खत्म हो सके और कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना। काले लहसुन में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जिससे हमें कफ, कोल्ड, फ्लू जैसा खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट 2 फर्मेंटेड गार्लिक लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और ये जो वायरल फीवर, कोल्ड, फ्लू होता है, उनसे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। हृदय रोगों के लिए फायदेमंद, जैसा कि मैंने आपको इसका फर्स्ट बेनिफिट बताया था कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है, और जब खून पतला होता है तो हार्ट को बहुत ज्यादा ब्लड को पंप नहीं करना पड़ता, जिससे हार्ट की जो हेल्थ होती है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। साथ ही में इसमें विटामिन सी भी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बहुत हद तक बचाता है। साथ ही में ये काला लहसुन डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी जो डायबिटीज होती है काफी हद तक कंट्रोल रहती है। और साथ ही में इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मोटापे को कम करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आखिर इतना फायदा करने वाला फर्मेंटेड गार्लिक कैसे बनता है, तो चलिए जानते हैं। फर्मेंटेड गार्लिक बनाने के लिए आपको एक बड़े बाउल में गार्लिक लेना है और उसको एक कांच के जार में रखना है। इसके बाद में 1/2 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये जो वाटर है आपको उस जार में डालना है जिसमें कि आपका गार्लिक रखा हुआ है, और तब तक उस जार को फुल करना है जब तक कि आपका पूरा गार्लिक उसमें डूब ना जाए। और डूबने के बाद में आपको उस जार के कैप को अच्छे से टाइट कर देना, एयर टाइट जार ही आपको लेना है, और एयर टाइट जार में उसको रखने के बाद में आपको उसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, ना उसमें धूप लगनी चाहिए और ना ही उसको हीट मिलनी चाहिए, मीन्स आपको उसे किचन में गैस के पास पर नहीं रखना है, आपको उसे अपने कहीं भी अलमारी में रखना है, ताकि उसको आंच ना लग सके और कहीं धूप ना लग सके। और हर 2-3 दिन में आपको उसकी कैप साफ करनी है, क्योंकि उससे बुलबुले आएंगे जो कि ये दिखाएंगे कि वो जो आपका गार्लिक है वो फर्मेंट हो रहा है, ना कि खराब हो रहा है। बट जब अगर आपका गार्लिक ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका गार्लिक सड़ गया, इसका मतलब आपका जो गार्लिक है वो ब्लैक गार्लिक में कन्वर्ट हो रहा है। और 30 दिन बाद जब आप देखिए कि वो गार्लिक आपका ब्राउन से ब्लैक कलर के बीच में कन्वर्ट हो चुका है, इट मीन्स आपका ब्लैक गार्लिक तैयार हो चुका है। जरूरी नहीं कि आपका ब्लैक कलर हो, ब्राउन से ब्लैक कलर के बीच में कोई भी कलर हो सकता है।
30 से 45 डेज के बीच में ये प्रोसेस जो होता है फर्मेंटेशन का कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ही मैं आपको रोज सुबह 2 गार्लिक आपको जरूर लेना है खाली पेट। बहुत ही सिंपल रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने फर्मेंटेड गार्लिक को बनाने का तरीका देखा, तो इससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बस इस फर्मेंटेड गार्लिक का एक जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इसे बनाने में 30 से 45 दिन प्रिपेयर होने में लग जाता है। और ये फर्मेंटेड गार्लिक जितना पुराना होता है उतना ज्यादा फायदा करता है। और अगर ये ब्लैक कलर का हो जाता है, डार्क ब्लैक कलर का, और उसके जार से अगर बुलबुले आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया है, वो फर्मेंट हो रहा है, इस वजह से वो उससे बुलबुले आ रहे हैं। आप उसके कैप को साफ कर सकते हो, फिर से उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो सके। और ये याद रखिएगा कि जितना पुराना फर्मेंटेड गार्लिक होगा वो आपके हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट, सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो इस फर्मेंटेड गार्लिक को जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये टेस्ट में भी व्हाइट गार्लिक से बहुत बेटर होता है, और साथ ही में न्यूट्रिशन वैल्यू भी 3 से 4 गुना ज्यादा होती इस ब्लैक गार्लिक की। तो अपने घर में इस फर्मेंटेड गार्लिक को जरूर बनाइए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है उनके लिए भी ये वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।